हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, यहां पर जो है बिहार के लिए एक नई भर्ती निकल कर आ रही है सामने 2020 के लिए, जो कि होम गार्ड की नियुक्ति के लिए यहां पर भर्ती आने वाली है 2020 में। यहां पर देखिए खुशखबरी है, तो उससे पहले दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर हेडलाइन कि साल के अंत तक पूरी हो जाएगी होम गार्ड की भर्ती प्रक्रिया, जो कि DG हैं बिहार के, उनके द्वारा ये बात कहा गया है। यानी 2020 के लास्ट तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी आप लोग की बहाली हो जाएगी होम गार्ड की भर्ती। और यहाँ पर बहुत ही बम्पर भर्ती, बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको पूरा अपडेट। यहाँ देखिए दिखा रहा है खुशखबरी, होम गार्ड DG राकेश कुमार मिश्र के मुताबिक 1800 पद खाली हैं बिहार राज्य में, और 8 माह ड्यूटी देने का लक्ष्य। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं राज्य में होम गार्ड जवानों के 1800 और अधिकारियों के 170 पद खाली हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 1800 होम गार्ड की बहाली होगी और 170 जो है अधिकारियों की बहाली होगी, और उनमें जो है 20 पद कमांडेंट के हैं, और खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सबसे बड़ी बात कि शुरू हो चुकी है, और वर्ष 2020 के अंत तक बहाली की प्रक्रिया पूरी कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यानी 20 के अंत तक सारा प्रक्रिया ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाली है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 2020 के अंत तक इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और होम गार्ड के जो DGP हैं राजीव कुमार मिश्र ने रविवार को इसकी जानकारी दी है, और उन्होंने कहा कि राज्य में जो है होम गार्ड जवानों के 56,000 पद स्वीकृत हैं, 56,000, और जवानों को जो है 8 माह ड्यूटी देने का लक्ष्य रखा गया है, और 6 माह से कम किसी की ड्यूटी नहीं लगे यह सुनिश्चित किया गया, और निजी सुरक्षा गार्ड की तर्ज पर निजी संस्थानों में भी होम गार्डों के लिए ड्यूटी की संभावना तलाशी जा रही है, और जवानों के प्रशिक्षण के लिए जो है 20 करोड़ की जो है राशि निर्धारित भी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारी चीज़ दी गई है, तो ये सब आप लोग को ज़रूरत नहीं जानने का, जो आपको मेन मेन बात है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो है कि हर माह की 1 तारीख तक बैंक खाते में वेतन आप लोग को चला जाएगा, और वर्षों से बकाया मानदेय और वेतन की भी शीघ्र भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। यानी सारा जो है अपडेट किया जा रहा है, सब कुछ को सही किया जा रहा है, जो कि बहुत ही लेट रहती पहले चलता था, अब सब कुछ टाइम पे किया जा रहा है, वेतन वगैरह सब कुछ टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पर यही था अपडेट जो कि आप लोगों को देना था, कि बिहार में जो है 2020 के अंत तक 1800 पदों पर होम गार्ड की बहाली हो जाएगी। तो ये जो आपको जो 10वीं पास हैं उनके लिए यहाँ पर बेहतरीन मौका है 10th पास के लिए। तो यहाँ पर यही था अपडेट जो कि आप लोग को देना था, और इसके रिगार्डिंग में जैसे ही कोई आता है अपडेट तो हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिल सके और कोई भी आपको जॉब या वीडियो मिस नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं हमें आप, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और ये वाला जो आपका नोटिफिकेशन है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके ये वाला PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, मैं वहाँ पर सारा PDF डालते रहता हूँ, वहाँ पर आप जाके खुद भी देख सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। और फ्रेंड्स, MTS की जो है नई भर्ती आई है, ये वाला फ्रेंड्स जो कि आई हुई है DRDO की तरफ से नई भर्ती 2020 के लिए, क्योंकि MTS पद के लिए कुल 1817 पद भर्ती होने वाली है, और इसमें जो मेट्रिक पास है अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है। ये वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।